आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे से शामी कबाब की रेसिपी, जो कि एकदम रियल शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसको आपके कबाब न कभी टूटेंगे और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। तो चटपटी सी रेसिपी जो हर दावत की शान होती है, जान होती है, तो ये टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टिप्स इसमें दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1/2 kg बुफेलो मीट लिया है यहाँ पर, जो कि हमने बोटी में इस तरीके से लिया है इसको। तो रेशेदार आप कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोटी में बनाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एक ही ऑथेंटिक रेसिपी है। तो सबसे पहले हम इसको एक कुकर में डाल देंगे। 150 ग्राम चने की दाल ली है, जिसको 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। भिगोने से क्या है कि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है और ये जल्दी से कुक हो जाती है। ये भी इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया है, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ये डाल देंगे। क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं लिया है, तो आप इस तरीके से डालेंगे तो अलग ही लेवल का इसमें टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसको हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, 4 से 5 लिए हमने सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 यहाँ पर बड़ी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, और यहाँ पर 2 हरी इलायची, और यहाँ पर लिए हमने 7 से 8 लौंग। तो इन सभी मसालों को इसमें डालकर ग्राइंडर जार में डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेश मसाले डालेंगे तो इसका अलग ही टेस्ट आएगा। और जब आप कीमे को कूटेंगे तो उसमें मसालों को पीसने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ये मसाला इसमें हम डाल देंगे। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1.5 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी यहाँ पर कितना डालेंगे आपको बताते हैं कि जब यहाँ पर पानी डालने के बाद दाल और गोश्त के लेवल में पानी आ जाए तो आप इतना पानी यहाँ पर डालें। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सभी मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर लिड लगा देंगे और इसको हम गैस पर रख देंगे। पहले 1 विसिल लगाएंगे हम इसको हाई फ्लेम पर, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें कम से कम 10 से 12 सीटी लगानी है ताकि गोश्त पूरे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए और दाल भी। आप यहाँ पर अपने बर्तन के हिसाब से इसको बिल्कुल गला लें। अगर आप दम वाले कुकर में बना रहे हैं जैसे कि उसमें विसल नहीं आती, तो उसमें आप 15 से 20 मिनट का उसमें दम लगा लें। कुकर यहाँ पर अपनी जो है स्टीम में ठंडा हो चुका है, अब यहाँ पर इसे खोल लेंगे। अब यहाँ पर देखें अभी भी इसमें पानी है यहाँ पर, लेकिन गोश्त और दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे ही टूट रहा है। यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसको घोटेंगे। तो यहाँ पर आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से कुटनी से या फिर डंडे से आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये क्या है कि यहाँ पर बहुत रेशेदार कबाब बनेंगे। तो आप इसको इस तरीके से चलती हुई गैस पर कूट लें। फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम रखा है। अगर आपके पास ये कूटनी नहीं है, डंडा नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं या सिल पर भी पीस सकते हैं, लेकिन आजकल घरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आप इसको मिक्सी जार में बड़ी आसानी से पीस सकते हैं या चॉपर में भी पीस सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कूट लिया है इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो भी अच्छे से इसमें ड्राई हो चुका है। तो अब इसे ठंडा होने देंगे। तो किसी बर्तन में निकाल लें इसको या फिर इसमें ठंडा होने दें। तो अब यहाँ पर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद देखें यहाँ पर कीमा जो है अच्छी तरह से ठीक हो चुका है, इस तरीके से हो चुका है। अगर आपका कीमा थोड़ा सा पतला रह जाता है तो आप उसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, जिससे वो अच्छा खासा ठीक हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे कुछ और चीज़ें जो इसको और ज़्यादा जायकेदार बनाएंगी। तो 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हम नारियल का बुरादा। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कुछ इसमें नया टेस्ट लाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसको डालकर देखें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो 2 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप जो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 1 अंडा इसमें डाल देंगे, जिससे जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो जाते हैं और जो आप कबाब फ्राई करते हैं तो ये टूटते भी नहीं हैं। और इसमें डालेंगे कुछ हरा मसाला, जिसमें हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून डालेंगे पुदीना, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ये डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्च जिसको बारीक चॉप कर ली है ये डाल देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे हम 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, खूब सारा डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल सभी चीज़ें यकजान हो जाएं। कीमा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जितना बड़ा आपको कबाब बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर पोर्शन लेंगे, इस तरीके से हाथ से इसको इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से चिकना करने के बाद प्रेस कर देंगे, साइडों में से बराबर कर दें इसको। और देखें कबाब बनकर तैयार है, इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे।
गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, बहुत कम ऑयल में ये बन जाते हैं। और बिरयानी कबाब के साथ, बिरयानी और कबाब का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप पुलाव की रेसिपी और बिरयानी की रेसिपी हमारी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपको कबाब की भी बहुत सारी रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ऑयल गर्म होने के बाद एक करके कबाब इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमें इसे क्रिस्पी करना है, क्योंकि कबाब पहले से ही ऑलरेडी पके हुए हैं सभी चीज़ें, तो यहाँ पर हम इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। कबाब देखें यहाँ पर सिकने लगे हैं, अच्छा कलर आने लगा है, तो एक एक करके हम इनको पलट देंगे। तो दूसरी साइड से हमें पलट दिया है, तो ऐसे ही गोल्डन क्रिस्पी कलर आने देंगे इस पर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट एक साइड से और 2 से 3 मिनट एक साइड से करने के बाद हमारे कबाब बढ़िया यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। कबाब दोनों साइड से सिक चुके हैं, देखें यहाँ पर दोनों साइड से बढ़िया कलर आ चुका है, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। सुर्ख सुर्ख कबाब, ये बहुत ही टेस्टी, हर दावत की शान या फिर हर मौके की जान। तो ये रेसिपी आप अपने घर में बनाएं, क्योंकि ये ऑथेंटिक और टेस्टी रेसिपी है, और आप इसका टेस्ट देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे फ्रेश मसाले डाले हैं। तो ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं और देखें कि कैसे शानदार ये कबाब बनकर तैयार हुआ है। तो देखें बिल्कुल रेशेदार मज़ेदार सा ये कबाब कितना मज़े का है। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो उसके लिए बस आप यहाँ पर जो है कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसके बाद किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल दें। तो यहाँ पर टेस्टी से कबाब बनकर तैयार हैं, जो बहुत ही टेस्टी हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।